तनवीर साहब किसी के घर जाते नहीं है। वही तो तेरी खुशकिस्मती है कि साहब तेरी बेटियों को अफसोस करने खुद आ गए। अरे लग तो नहीं रहा अफसोस करने आया। ओ शर्म कर, ओए शर्म कर, साहब खुद चल कर आए हैं। मेहमानदारी के कुछ उसूल होते हैं। पर हाँ, तू कल का छोकरा, तुझे इन तौर तरीकों का क्या मालूम। जब बड़े बात करो ना, बीच में बोलते नहीं है। अबे तू अपनी फिक्र कर, ये ना हो तेरे नकली केस के चक्कर में तू अपने ही थाने में बंद हो जाए। शामीर, मेरी सफेद दाढ़ी का ही लिहाज रख। मैं जो बात करूंगा हक की करूंगा। मानता हूं कि तेरे साथ ज्यादती हुई है, मगर इस तरह चर्चा करना ये कौन सी हैरतमंदी है। तो क्या करूं, अपनी बच्ची का खून जाया हो जा रहे तू है? तो ये इंसाफ का कौन सा तरीका है? तेरी बीवी और राहत की बहू ने आसमान सर पे उठा रखा है। कभी इसका टेस्ट, कभी उसका टेस्ट, कभी ये मुजरिम, कभी मैं मुजरिम, सारे मोहल्ले को टेस्ट पे लगा दिया है। भला इस उम्र में ज्यादती के शुबे में मैं टेस्ट करवाऊंगा? औरतें हैं ना, अकल घुटनों में होती हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रही हैं। मसला जब चार दीवारी में रहकर हल हो सकता है, तो फिर औरतों को क्यों रोड पर निकलने देता है भाई? कैसे होगी ये बात चार दीवारी में हल? साहब बैठे हैं ना, खुद पूरे केस को देखेंगे, मुजरिमों को गिरफ्तार करवाएंगे। बस तुम अपनी औरतों को घरों में बिठाओ, अब कोई वीडियो कोई धरना नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कि चंद ही दिनों में कातिल पकड़ा जाएगा। एक तो इतनी देर से इतनी गर्मी में बिठा कर रखा हुआ है, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। और तुम्हारी बेटियों की तालीम भी मुफ्त हो जाएगी। और रहा सवाल तुम्हारी बहन और बेटियों की शादी का, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे घर की औरतों को अपनी जबान बंद करनी है। और मैं समझता हूं जबान बंद करने के लिए इतनी रकम काफी होती है। बात सुने, अपना ये सियासी चूरन ना हमारे सामने बेचना बंद करें, आपकी दाल नहीं गलेगी यहाँ पे। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए। लड़की, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? तुम जानती भी होगी मैं कौन हूं? अबे तुम तमीज के काबिल हो ही नहीं। उठो चलो, निकलो भाई, निकलो बाहर। बात सुनो, मैं सब समझता हूं। मुंह से बोलो कितनी रकम चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा। पैसे देगा तू? इतनी औकात है तेरी? मुझे मेरी बच्ची की मौत की कीमत दोगे तुम? निकलो यहां से, निकलो। बाहर लोगों का मजमा जमा है और सब शदीद गुस्से में जज्बाती हो रहे हैं। वो तो मैंने उन्हें रोक रखा है, ऐसा ना हो कि घर में आग लगा दें। हराम का माल है, हक हलाल की कमाई से बना हुआ घर है ये, कोई भी आके कभी भी आग लगा देगा। निकलो बाहर, हमारा धरना भी होगा और ये SHO भी हटेगा। निकल बाहर। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरे गार्ड्स बाहर खड़े, मैं उनको एक इशारा कर दूं ना तो तुम लोगों को इस घर से घसीटते हुए मेरी हवेली पहुंचा देंगे। तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अपनी औकात में रहो। अरे औकात में रहे तू अपनी, और ये क्या औरत लगा के रखा है? जानता नहीं है मुझे? दिमाग घूम गया ना मेरा तो, अभी रैकेट लाऊंगी, सब घुमाओगे मारोगे, दो टुकड़े कर दूंगी सर के। हमें बेवकूफ ना समझना, ये जो बाहर किराए के बंदे खड़े किए हैं ना, इससे ज्यादा औरतें खड़ी हैं, मीडिया खड़ा है, हम नहीं दबने वाले। इज्जत तो तुझे राज है नहीं, वो तो दिख रहा है, अपनी खैर चाहता है ना, तो चल फुट यहां से, निकल निकल यहां से, कुछ छोड़ निकल यहां से, निकल। मुझे मेरी बेटी की कीमत देने आए हो? चलो निकल यहां से, निकल। इंसाफ दो, बच्चियों के कातिलों को गिरफ्तार करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो।
इंसाफ मिल पाएगा? बाकी लोगों को आप गिरफ्तार कर लेंगे। आप बताइए, जवाब दीजिए।